प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। बुधवार को पीएम ने डीसा और हिम्मतनगर में जनसभा को संबोधित किया। आज वे आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में जनसभाएं करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर साबरकांठा के रामपुरा में लोगों में बहुत ही जोश है। आपको बता दें कि यहां ढोल नगाड़ों के साथ मोदी जी के आगमन की तैयारी हुई और लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर मोदी जी का इंतजार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए राम मंदिर, 3 तलाक और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हिम्मतनगर में उन्होंने कहा कि अगर मोदी तीसरी बार देश में आए तो देश में आग लग जाएगी, लेकिन सच में कांग्रेस के सपने इस आग में राख हो जाएंगे। तो वहीं मोदी ने सभी से भाजपा को वोट देने की अपील की है। आइए सुनते हैं उन्होंने मन से लोगों को संबोधित करने के दौरान क्या कहा। मोदी जी की इस यात्रा को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित नजर आईं। मोदी जी की झलक पाने के लिए वो लाल आई दिखी। मोदी जी के आगमन पर उन्होंने विशेष तैयारी की। आइए सुनते हैं यहाँ की महिलाओं ने क्या कहा। यशस्वी वड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी जी आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत साल पहले हमारे वहाँ आते थे, रुकते थे, खाना खाते थे और प्रचार रखते थे। तब से हम पहचान वाले हैं, हम जानते हैं। और आप किसको वोटिंग करेंगे? हम तो मोदी साहब को करेंगे ना, मोदी सरकार। हाँ, मोदी। तो 400 पार कैसे लगेगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? हमारे गांव के ही है, हम इधर में रहते हैं। कौन से गांव में आए? हम खेराल से, वडनगर से आए हैं। वडनगर से आए तो आपका तो भैया लगता है, तो भाई के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत बहुत हमें तो बहुत गर्व होता है कि वो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तो हम इनके वोट तो देना ही हमें इनको ही है। हाँ, तो आपके गांव के वडनगर के हैं, तो वडनगर के भैया को देख के आपके आंखों में आंसू है, तो वो आंसू के लिए 2 शब्द आप बोलिए। हमें तो इतने इतना गर्व हुआ है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी यहाँ आके इतने आगे गए, हमें बहुत खुशी हुई। आप क्या बोलेंगे मौसी? हाँ, हमारे चाचा है, हम तो बोलेंगे ही। हाँ, अभी बहुत खुशी हुई। चाचा के लिए 400 पार, तो आप कितने मेहनत करेंगे? बहुत सारी मेहनत करेंगे, सबको वोट दिलाएंगे। वोट दिलाएंगे घर घर जाके? हाँ, घर घर जाके। चलो, आप क्या बोलेंगे दीदी? हम तो वोट दिलाएंगे, पहले सवेरे 10 बजे से पहले वोटिंग करेंगे और सबको दिलाएंगे। और मोदी जी के बारे में तो कोई भी पूछे तो हमें मोदी ही चाहिए। 400 के पार हमें सीटें लानी है तो लानी है। हमको तो हमारे भैया ही चाहिए, हमको तो हमारे चाचा ही चाहिए। वडनगर से सभी वो आए तो आकर से आप क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जी आया तो अच्छा लगा और प्रवचन किया तो खूब खूब उसका आभार। जो हमारे वडनगर से आए हैं तो सभी महिला हो, इतने हमारे गांव के हैं, हमारे गांव के ऐसे होके भावुक हो गई है, तो आप क्या बोलेंगे? बस मोदी साहब अच्छे हैं, हमारा घर से आगे हमारे 80 साल के पहले बाद हमारे का संबंध है और हमारे घर पे रुकाते हैं, वो हमें वोट नरेंद्र मोदी से आप के। पर एक बात हमने ना गमी, अमारू जे पानी लीधु तो ये पानी अमारू एमो नाखी दीधु ने, अमारी बोटल हो मोदी साहेब सुधी पहुंचवू जोईए। अमारी बोटल 1000 ત્યાં ની હતી, એ બોટલ અમારી ડસ્ટબિન માં જઈને પોલીસ વાળા આજે લઈ ગયા છે બોલે, એ અમને અચ્છા નહીં લાગે। ઓ પાણી ભી આપણે વડનગર છે આયા હે तो कुछ वादा नहीं, जो भी पानी पानी के लिए तो परब बांधते हैं, पानी भी कुछ वादा नहीं। पुलिस वाले अपने जनता की सुरक्षा के लिए ही खड़े थे तो कुछ नहीं। लाखों परिवारों की चिंता है, भाई बहनों आपके आशीर्वाद से मोदी ने जब किया तो कांग्रेस के साझेदारों को उखाड़ा। अगर वो दिन तीसरी बार तो फिर देश में आवाज क्या? दरअसल कांग्रेस के सपने आप में राख हो चुके, और इसलिए निराशा के चक्र में डूबी हुई कांग्रेस जो भी पार्टी को नहीं बचा पा, जो भी पार्टी में छाप नहीं कर सकती, वह देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। आज उनकी स्थिति
लेने के देने पाते हैं। ये लोग हमें आप क्या भाषा बोलते हैं, देश के विभाजन की। अरे भाई 1947 का विभाजन देख करके देश तबाह हो गया। अभी भी उनके बड़े बड़े नेता देश के विभाजन के बारे में, और ये कांग्रेस के सारे सत्ते पत्ते हैं, इन्हीं गठबंधन उनकी रणनीति एक है। देश में अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ, देश मुश्किल में आ गया, लेकिन कैसे भी करके इन्हें मोदी को बचना। उन्होंने दो साल के आपका भी आपका कोरोना में दबा यही खेल, भारत का कोविड मिशन फेलो, भारत का वैक्सीनेशन मिशन फेलो, उसके लिए उन्होंने हथकार करने हम जो बताए बंटवारे के समय सबसे जो हिंदू सिख ईसाई पाकिस्तान चले गए, क्या भारत की ध्वज के प्रति को जीते जाए? बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ था, तो पीछे रह गए उनका क्या कसूर था? अब भारत